वो फराक दिली से मुस्कुराया यहाँ आओ उसने बाहें फैलाई दर्द के बावजूद फेरी के लिए सॉरी बाबा आप बहुत गंदे हैं आपने मेरे सोने के बाद मेरी मम्मा से फाइट की और उन्हें बांध कर चले गए मम्मा पूरी रात जागती रहीं उन्हें बहुत दर्द हुआ था वो बैठी रही आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा इंतहा दुख बेयकीनी से कहती वो आखिर में अपनी भीगी आंखें मसल गई झटका इस कदर जोरदार था कि वो संभल भी ना पाया और सर जैसे चकरा गया अपनी बेटी के मुंह से गंदा सुनकर फैरी बेटा ये झूठ बोल रही है इसे मैंने बांधा था पर ये मुझे ड्यूटी पर जाने से रोक रही थी वो तड़प कर उसके पास पहुंचा और उसे बाहों में भरना चाहा कि वो मुस्कान की सिमत खिसक गई इसीलिए बाबा क्योंकि ममा जानती हैं फेरी के पास सिर्फ एक ही बाबा है प्यार करने वाले अगर अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो गया तो फैरी का पापा कौन बनेगा उसे प्यार कौन देगा आपकी तरह वो हाथों में मुंह छुपा कर बुरी तरह रोने लगी फैरी बेबी वो मचल कर उसे उठाने लगा पर वो मसीद नाराजगी में आगे खिसगी तुम कुछ क्यों नहीं कह रही वो गुस्से से मुस्कान से बोला वो क्या बोले पापा उनके मुंह पर तो जाते हुए टेप लगा दी है हाथों में हथकड़ियां पांव बंधे कोई मम्मा से इस तरह करता है उसकी सुनते बुरहान जल्दी से कैप और बेल्ट निकालकर टेबल पर रखता बैठ पर आया देखो बाबा की जान बाबा ममा को मजबूरी में बांध गए थे आइंदा ऐसा नहीं होगा झपट कर उसे बाहों में भरते सीने से लगाया और उसके चेहरे पर बोसे देने लगा आप मम्मा को खोले हमने नाश्ता नहीं किया वो अभी भी रूठी हुई थी इसीलिए बुरहान ने जल्दी से उसके हुक्म पर सर को खम दिया देखो मैं तुम्हें खोल रहा हूं पर तुम कोई झगड़ा नहीं करोगी मुझे सख्त नींद आ रही है फिर रात को शॉपिंग पर चलेंगे उसके रुकसार थप कर वो बोला और जेब से कीज निकालकर उसके हाथों की हथकड़ियां खोली पांव तो उसकी बेटी शायद खोल चुकी थी पर मुंह पर टेप अभी भी था गो के उसे हटाना नहीं चाहिए था पर वो अपनी बेटी की नजरों में गिरना नहीं चाहता था तभी मुंह खोल दिया मुस्कान वैसी ही साकेत वहीं पड़ी उसके बाजू को देख रही थी जबकि अब फैरी मुतमईन थी वो इंटरकॉम पर दोनों के लिए नाश्ता शेर खान को भेजने का कहता चेंज करने चला गया मुझे जिंदा देख कर सदमे से फौत हो गई हो गया वो जब फ्रेश होकर बाहर आया तो उसे उसी पोजीशन में देखकर तंस फेंका बुरहान को हैरत हुई जब उसने कोई जवाब नहीं दिया अलबत् फानूस को घूरती रही तोलिया से बाल रगड़ते उसने तोलिया गर्दन में डाला और डोर नॉक होने पर मुलाजमा को इजाजत दी जिसने आकर टेबल पर नाश्ता लगाया अच्छा दफन बाद करूंगा, पहले जाकर फ्रेश हो आओ और नाश्ता करो तोलिया सोफे पर फेंकते वो बेड पर लेटा ब्लैक बनियान और ब्लैक इजी ट्राउजर में मलबूस चित लेट गया जाओ फेरी बेटा तुम खा आओ उसे हट दर्मी जिद में पड़े देख कर वो दांत कचकचाता फिर अपनी बेटी से मोहब्बत से बोला फेरी सर हिलाकर बाथरूम से हाथ धोकर टेबल पर आई गुस्सा छोड़ो दिलरुबा गैंगस्टर अब जाओ खान अभी उसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि उसका मुक्का घूमता हुआ उसके जबड़े पर पड़ा उसने दहल कर उसे देखा और अपने जबड़े को सहलाया बात मत करो मुझसे खून कर दूंगी मैं तुम्हारा वो अचानक हलक के बल धाड़ी बुरहान ने जबड़ा सहलाते घूरा अलबत्ता फेरी नॉर्मल अंदाज में बैठी थी मुझे ही शायद इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए उसने बुड़बुड़ा कर एक पीस मुंह में रखा और नजरें बेसाख्ता उठाई तो वो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूरते देख रहे थे और वो जानती थी अब खतरनाक दो फाइटर्स की फाइट होने वाली है इसीलिए वो पहले ही अपना पेट भर लेना चाहती थी मुझे बता दें बिरयानी किस में पकानी है चने में या गोश्त में उसके बाद बट दोनों ठिठक कर उसे देखने लगे जो अपने छोटे छोटे हाथों से नवाला लेती उन्हें बड़ी प्यारी लगी किस लिए बैक वक्त दोनों बोले और अगला लफज कहने से पहले एक दूसरे के मुंह पर जबरदस्ती हाथ जमा दिया अरे भाई जिस तरह घूर रहे हैं इससे तो एक ही बिरयानी अखस की जा सकती है तीजे की उसकी बात पर दोनों की आंखें फैली जबकि का फैरिक रूम की फिजा में गूंज उठा खामोशी पर उसने वो अपने ऑफिस में बैठा फाइल देखता साथ ही साथ मौजूद सगार से कश लेते कान में लगे ब्लूटूथ से दाऊद से बात कर रहा था क्या तुम इजाजत दे सकते हो मेरी शादी में एन को भेजने की कुछ झिझक कर वो फिर बोला नहीं बग़ैर वक्त ये आलिम ने संजीदा लहजे में जवाब दिया वो सांस खींच कर रह गया और मेरी बीवी को नहीं मालूम होना चाहिए कि उसकी बहन की शादी है आलिम मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा वो इल्तिजाया बोला मुझे उम्मीद है आलिफ तुम इस फरमाइश के साथ मेरे सामने नहीं आओगे उसने कहकर खटके से रबता मुनक़ि किया दाद बेबसी से मोबाइल देखता रह गया पर मुझे कोशिश ज़रूर करनी चाहिए वह हौसला बढ़ाने लगा खुद का वहीं सोचते हुए आलिम के माथे पर बल पड़ गए तुम सिमी नर्स की जगह उसे पाकर गुस्से से बोली सिमी जी पानी लें। उसने मासूमियत से पानी का ग्लास सामने किया तो वो मुंह फेर गई देखो लड़के मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं इसीलिए बेहतर है मुझे, मुझे मुखातिब मत करो वो मुंह फेरे ही उसकी तरफ से वॉक करने लगी शाम के सुनहरी साय फैल रहे थे और वो इस हसीन वक्त में नर्स के साथ लॉन में वॉक कर रही थी कि उसे अचानक प्यास लगी उसने नर्स को भेजा पानी लाने पर अब नर्स की जगह को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए मुंह भी फेर लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है हम रिश्ता भी बना लेंगे वो शरारत से बोला जिस तरह तुम मासूम दिखते हो ना वैसे हो नहीं इंतहाई बदतमीज लड़के हो वो कपकपाती आवाज में कहकर आगे बढ़ी मुझे बुरा नहीं लगा सिमी जी बड़ा अच्छा लगा कि आप मुझे जानती पहचानती हैं सिर्फ इस बात का दुख हुआ था कि आप मेरा एक रास नहीं चुपा पाई जालिम समाज से मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी सिमी जी जदा कर कहा वो जुस होकर रह गई बदतमीज लड़के जाओ यहां से वरना मैं अपने भाई से तुम्हारी शिकायत करूंगी वो चिल्लाई शिकायत कैसी शिकायत उसने आंखें बुलाई ग्रे कलर के सूट में मैरून शानों पर बड़ी सी चादर डाले ग्रे दुपट्टा हिजाब स्टाइल में बांधे वो खफा और जिद लग रही थी और सितम ये था कि वो सीधा आरिफ के दिल में उतरती उसे बेचैन कर रही थी देखो लड़के आप प्यार से मुझे आरी कह सकती हैं वो शर्माने की एक्टिंग करता नजरें झुकाए बोला सिमी झटके से मुड़ी और अपनी आंखें फैलाकर उसे देखने लगी आरी कहाँ से आरी किससे आ रही अगले ही लम्हे उसने मुस्कुराहट चुपाई अलबत्ता प्यार पर उसने सख्त घूरी दी वो अपनी उम्र से अच्छी तरह वाकिफ थी और समझ भी रही थी कि ये उसके साथ मजाक कर रहा है वरना पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा होगा कि उससे प्यार या कोई ऐसी गलत सोच रखेगा नहीं नहीं वो वाला आरी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जज्बात से पूर मर्द हूं उसने गड़बड़ा कर सफाई दी पर जज्बात लफ्ज़ पर कुछ यूं सिमी की आंखों में घूरा कि वो जुजबुज होकर रह गई मैं तो वो वाला आरी कह रहा हूं मिसाल के तौर पर जैसे आलिम एन को कहता है एन दाद नूरुल एन को कहता है बोडी या नूर मैं मुस्कान को कहता हूं मिसी और हूर कहती है मिसनी। इस तरह से मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे आरिब से अरब कहें या आर कहें अरबी कुछ भी कहें आरी भी कह लें दिल चाहे तो अरबा अरबी कह ले, बस सिर्फ प्यार और मोहब्बत से कहें दिल कुछ होता है ना तांतों की नुमाइश करते हुए वो बड़े दिलरुबा अंदाज में कहता मुसल सल शर्मा कर कर रहा था हाथ में पानी का ग्लास अब भी मौजूद था सिमी के तो कान साय साई कर रहे थे वो कान की लो तक सुर्ख पड़ गई इस सारी बकवास का मतलब क्या है मेरी बला से जाओ भाड़ में दिमाग से आरी हो जाओ तुम्हें शर्म नहीं आती बड़ों से कैसे बात करते हैं हाथ मार कर पानी का ग्लास फेंकती वो घुराई आरिफ सटपटा गया पर फ़ौरन खुद को संभाला मैं मैं एक नोवेल रीडर हूँ सिमी जी मुझे नोवेल पढ़ना बहुत पसंद है और जब से आपको देखा है तब से मैं एज डिफरेंस नोवेल बहुत खुशी और चाहत से पढ़ता हूँ क्योंकि हमारी कहानी भी कुछ यूं ही है सिमी ने हैरत से देखा वो क्या कह रहा था वो उससे क्या कह रही थी और वो आगे से क्या जवाब दे रहा था उसे सच में ये लड़का दिमाग से आरी लगा मैं अल सीधा अलसाधा अल, अल शरीफ अल नेक अल मजबूत अल अक्कलमंद बंदा हूं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा बस मैं आपको अलपसंद करता हूँ सिमी जी उम्मीद है आप समझ गई होंगी खाना पकाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं आलिम के साथ रहकर सब कुछ सीख गया हूँ कमा अच्छा लेता हूँ घर ले लिया है जिसमें एक बेडरूम दो बेबीज रूम ओपन किचन ड्राइंग रूम डाइनिंग हॉल छोटा और खूबसूरत सा लाउंज है मेहमान के लिए कोई ठिकाना नहीं क्योंकि मैंने आने नहीं देना फिर मेरी बहन ही क्यों ना हो वो बड़ी नागिन है आएगी तो हमारा झगड़ा करवा कर जाएगी इसीलिए दरवाजे पर ही हाय हेलो करेंगे अलिफ लाम यानी अल लगाने का मतलब सिर्फ़ अपने इजहार को यूनिक बनाना चाहता हूँ जैसा अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया होगा क्योंकि मैं भी कुछ अल यूनिक बंदा हूँ बच्चों के रोने तंग करने की टेंशन ना लें मैं ऐसी चिप तैयार करूँगा कि वो आपको सिर्फ दूर से देख खुश होंगे अब प्लीज़ इस रास को तब तक दिल में रखिएगा जब तक आपके दिल में कुछ कुछ होना शुरू नहीं हो जाता फिर मैं खुद आपके इस सिंह की हिटलर भाई से बात करूंगा उसकी सफेद कलाइयों में खनकती ग्रे चूड़ियों को देखते वो संजीदा होकर कह रहा था जबकि सिमी को लगा उसके सर पर सातों आसमान आ गिरे हों। वो हॉकों की तरह उसे देख रही थी जैसे आंखों देखा धोखा और कानों सुना झूठ हो मुझे आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं सिमी जी वो आंखें पटपटा पत कर बोला चटाख अगले ही लम्हे फिजा में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी और साथ सिमी का आंसू भी फिसल कर गालों पर गिरा मैं ये जिंदगी सिर्फ अपने भाई के लिए जीना चाहती हूं खबरदार अगर बीच में कोई बकवास की मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा और एक बात सिंकी हिटलर मेरा भाई नहीं तुम हो दिमाग से आ रही इंसान शर्म तो तुम्हें छूकर नहीं गुजरी गुस्से गजब के कहर से उसका चेहरा सुर्ख तब उठा बदतमीज उम्र तमीज का लिहाज नहीं वो बुढ़ कर खा जाने वाली नजरों से घूरती अंदर की सिमत बढ़ गई जबकि पीछे वो उसके थप्पड़ और चूड़ियों की खनक के शहर में जकड़ा हुआ था अल शर्मो अल तमीज तो मुझ में पैदाइशी नहीं दूसरा अल मोहब्बत कहाँ उम्र देखती है वो तो अलधी होती है इह इह इह। पीछे से आवाज पर उछल कर होश की दुनिया में लौटा कि मुस्कान का बुलंद कह कहा गुंजा क्यों टपकी हो अब झटके से मुड़कर वो गुस्से से गुड़ाया पर साथ छोटी सी फैरी को देख कर वो कदरे संभल कर मुस्कुरा दिया अरे हमारी फैरी मामू से मिलने आई है खुश होते उसने फैरी को उठाया वो मुस्कुरा दी मामू आप गुस्सा क्यों थे क्या आप भी मम्मा से फाइट करेंगे मम्मा तो आप सबसे लड़कर ही थक जाएंगी और वो कौन थी जिन्होंने आपको ठा से थप्पड़ मारा वो मुंह बसोरने लगी कि सिमी को याद करके मुस्कुराहट छुपा कर बोली आरिफ हंस पड़ा अरे नहीं मामू की फैरी मामू तो बस आपकी मम्मा और मेरी नागिन से बात कर रहे थे और आपको मालूम है वो कौन है क्यों बताऊं? वो मुस्कान की चिड़ाती मुस्कुराहट को नजरअंदाज करता अंदर की जानी बढ़ा पीछे वो भी हंसती हुई आई उसकी नजरों के सामने तो सिर्फ वो कुछ लम्हे पहले वाला सीन घूम रहा था, जब उसके भाई के मुंह पर थप्पड़ पड़ा और वो थप्पड़ मारने वाली को देख रहा था अहमद बिच्छू, वो हंसती हुई उसके पीछे हुई असलाकुम मैं मुस्कान आरिफ की सुतेली बहन लाउंज में बैठी सिमी के पास आकर उसने अपना तारुफ करवाया सिमी ने गौर से उस पेंट शर्ट लॉन्ग कोट में मलबूस लड़की को देखा जिसके सुनहरी बालों की पोनी टेल झूल रही थी और सुनहरी ही आंखों में तबस्सुम लिए वो उसे देख रही थी मैं समिया आलिम आलिम की बड़ी बहन उसने चोर नजरों से लाउंज में बच्ची को लेकर उसके सामने सोफे पर बैठे आरिब को देखते बड़ी पर जोर दिया और मैं इनकी बेटी मुस्कान बुरहान अलवी ममा बोले तो छोटा पैकेट बाबा की फेरी आरिफ के इशारे पर फैरी ने भी झट से अपना तारुफ करवाया सिमी सर हिलाती मुस्कुराई पर जल्द ही अपनी मुस्कान समेट गई जब उस अखलाक से आरी इंसान की गहरी नजरें अपने चेहरे पर पाई क्या मुसीबत है बंदा अपने घर में भी सेफ नहीं गुस्से से बुढ़ाहट बुड़ से जरा बुलंद आवाज में किलस कर कहती वो वहां से निकली शर्म की गोली होती तो पहले तुम्हें खिलाती मुस्कान ने तंज करते आरिप को शर्म दिलानी चाहिए अब मैं क्या कर सकता हूं जब तरकी नहीं कर रही अमेरिका तो नहीं चले आते वो फैरी को उठा के चले जाने पे बदमजा होता रूम की तरफ बढ़ गया जहाँ पपी मौजूद था कोई डिवाइस चिप या वायरस ही खुद में मुंतकिल कर दो शर्म के लिए कि जिसने पनाह दी उसकी इज्जत शट अप मुस्कान मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा मुसलमान हूं और मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है कि आलिम की इज्जत मेरी इज्जत है इसीलिए मैं उसे जायज तरीके से अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं ये गलत तरीका नहीं हां मैं बस उसे बताना चाह रहा था कि अचानक से आलिम के सामने मेरे प्रपोजल पर वो हर्ट ना हो अंडरस्टैंड तड़क कर कहते वो रूम में बंद हो गया फैदी क्या कह सकती थी उसे मालूम था जहां उसकी मां होगी वहां बहस झगड़ा तकरार तो होगा इसीलिए पपी को देखकर आरिफ के साथ खुश होती उसकी सिमत मतवजा हो गई और अब दोनों मिलकर उसे खाना खिला रहे थे तुम्हारा पापा कहाँ है फैरी उसकी गाल छू कर वो मोहब्बत से पूछने लगा फैरी ने मुस्कुराते पपी से नजरें हटाकर उसे देखा घर में है ममा बांध कर आई है वो मुस्कुराती बोली आरिफ को तो जैसे धचका लगा बांध कर आई है रस्सियों से क्यों हम्म लगा लगाकर मुंह पर टेप लगाई पाँव अपने स्काफ से बांधा फिर सीने के गिरद मजबूती से मेरा दुपट्टा बांध दिया ताकि वो हाथों को हरकत ना दे सके हालांकि पापा ने सिर्फ उनके हाथ पाँव बांधे थे और मुंह पर टेप वो नॉर्मल लहजे में बता रही थी जैसे कोई बड़ी बात नहीं थी पापा ने कुछ नहीं कहा

वो मेरी बहन है डोंट वरी मैं नहीं डर रहा वो मुस्कुराकर हाथ लबों से लगाता बोला ही 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 आपको मालूम है मम्मा कहती हैं कि आप उनके भाई नहीं सुतेले बिच्छू हैं और उनका खून सुर्ख है जबकि आपका सफेद आरिफ का मुंह सुर्ख पड़ गया उसे मुस्कान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि वो अपने बच्चों से अच्छा तारुफ करवाएगी उसका नहीं बेटा मेरा खून है जरा काट कर देखो प्योर खून होगा आपकी ममा का काला खून है गटर जैसा वो झट से अपनी उंगली उसके मुंह के सामने करता बोला फैरी ने पहले उसे देखा फिर उंगली को अच्छा पर ममा का गटर जैसा काला खून क्यों है मामू उसकी हैरत बेयकीनी से आके फैल गई वो बेटा क्या बताऊं बहुत लंबी वाली दास्तान है कैसे बताऊं दिल दुखता है मेरा उसने मायूसी से कहा फेरी को उस पर दर्द आ गया अच्छा रहने दे मत बताए उसकी बात सुनकर आरिब गड़बड़ा गया अरे नहीं मेरी जान तुम्हें जरूर सुनना चाहिए आखिरकार तुम उसकी बेटी हो उसे उठाकर बेड पर बिठाते वो उसके पाओ में सामने बैठ गया उसे बहुत पसंद आई थी बिल्कुल मुस्कान जैसी हसास ना समझती वो भी ऐसी होती थी जरा सी तकलीफ़ पर तरस खाने वाली रहमदिल बताए मामू क्या हुआ था बेटा वो क्या बताऊँ दुख से उसने चेहरा झुका लिया घर के पास बाहर खेलते थे हम जब मैं बारह साल का था और वो 6 साल की हमारे घर के पास ही बहुत बड़ा नाला था गटर का मैं मिसी वहाँ दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे जब अचानक वो गायब हो गई मैंने बहुत ढूंढा बहुत ज़्यादा पुकारा फिर तक कर घर चला गया क्योंकि मैं समझ गया था किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता उसकी जिंदगी गटर में गिरना लिखा था तो वो गिर गई मैं दो दिन उसे गुम होने पर बैठा रहा हालांकि मुझे रोना चाहिए था पर मुझे आंसू नहीं आए आंखों में क्योंकि मुझ में अल्हमद सबर बहुत था तीसरे दिन हमारे घर के मुलाजिम को मुस्कान नाले के करीब मिली रोती हुई मुलाजिम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ थी मुस्कान ये तुम्हारा हाल क्यों गटर जैसा है वो मुलाजिम से लड़ पड़ी और उसे बताया कि वो दो दिन से गटर में थी इसीलिए उसका ये हाल है मुलाजिम उसे फौरन लेकर घर पहुंचा और हम उसे लेकर अस्पताल गए उसकी हालत देखकर मुझे दुख सदमा होना चाहिए था पर मुझे नहीं हुआ और फिर टेस्ट चेकअप के बाद डॉक्टर ने बड़े अफसोस से बताया कि उसका मिसी का उसका खून काला हो चुका है और वो एक गटर की मरीजा है इसीलिए ऐसी हो गई है आरिफ ने सारे किस्से में बड़े अफसोस से उसे सुनाते आखिर में सर उठाया फैरी तो सुशतर बैठी थी उसकी मम्मा गटर की मरीजा है और उनका खून काला है सोच कर ही वो झुरझुरी ले उठी मामू ये गटर की मरीजा कैसे होते हैं मतलब ये क्या करती हैं? बेटा ये गटर की मरीजा तुम्हारी मम्मा जैसी होती हैं जो दूसरे का मजाक बनाती हैं उनसे लड़ती मारती हैं अजीबोगरीब नाम रखती हैं दूसरे के ये सब मिसी नहीं कर रही बेटा वो अब उसके हाथ पकड़े उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखता बहुत प्यार से समझा रहा था तो फिर कौन करता है वो हैरत से पूछने लगी बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है ये सब उसके दिलो दिमाग में रहने वाले गटर के कीड़े कर रहे हैं आरिफ को कहते हुए खुद भी झुरझुरी सी आई पर बदला तो चुकाना था ई मामा के दिल और दिमाग में गटर के की कीड़े रहते हैं उसने घबरा कर सहमे दिल से पूछा आरिब ने अफसोस से जमीन पर बिछे कालीन पर उंगली से लकीरें डालते सर हिला दिया वो खुद एक गटर की कीड़ी है यूनो ना फीमेल कीड़ा कीड़ी वही मामू मुझे डर लग रहा है वो बेड से उतरकर उसकी आगोश में आ गई अगर ये कीड़ी मेरे पेट में रात को चली गई तो मुझे आपके साथ रहना है पापा को भी यहीं बुला लें उसकी बातें सुनकर आरिफ का दिल किया अपनी प्लानिंग की कामयाबी पर कह कहा लगाए अरे मामू का शो ना बेबी डरते नहीं वो मम्मा के पालतू कीड़े हैं मम्मा के पेट से कहीं नहीं जाएंगे तुम सिर्फ जब मम्मा लड़े तो कह देना रिलैक्स मम्मा गटर की कीड़ी इससे फौरन वो चुप हो जाएंगी वो मुस्कुराहट बड़े जब्त से कुचलता उसके सर पर बोसा देकर बोला तो वो पहले मासूमियत से आरिफ की जगमग करती आंखों में देखती फिर सर हिला गई फिर मम्मा मुझसे नाराज तो नहीं होंगी ना सच पता है मामू मैं मम्मा को नाराज नहीं कर सकती वो उसकी आगोश में छोटे बच्चे की तरह बैठी उसकी आंखों में देखती आज से पूछ रही थी आरिफ को उस पर टूट कर प्यार आया वो मुस्कान की किस्मत पर खुश हो रहा था कि अल्लाह ने उसे इतनी चाहने वाली बेटी थी वो उसके वसीले से उसे इतनी प्यारी बच्ची का मामू बनाया वो जब मामू कहती तो उसके रूह में उसके लहजे की मिठास, पुकार, मोहब्बत उतर जाती। नहीं नाराज होगी मेरा शोना। बस ये कह देना कि मामू ने बताया आप गटर की फीमेल कीड़ी हैं। अच्छा भी ठीक है ये ले मामू मामा कहती हैं बबल खाने से इंसान का दिमाग तेज चलता है और उसके दिमाग में उसके हुनर के जबरदस्त आइडियाज आते हैं वो अपनी जेब से दो बबल निकालती एक आरिब के सामने करती बोली हम उसे कौन से आइडियाज चाहिए वो तो सिर्फ यही सोचती होगी कि एक के साथ एक बबल फ्री क्यों नहीं मिलती वो जलकर सोचने लगा और बबल लेकर मुंह में डाल लिया अच्छा तुम्हें कौन से आइडियाज चाहिए वो उसे देखते अब्रू उचकाने लगा मुझे फेरी ने अपने माथे पर उंगली रखी आरिब ने हूं करते सहलाया मैं ड्राइंग करती हूं ना इसीलिए मम्मा कहते हैं ये खाने से अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, जबकि बाबा कहते हैं बबल खाने से इंसान के दिमाग में गोबर भर जाता है, जैसे मामा के, ये बाबा के मुताबिक है, और इस पर मामा-बाबा की फाइट भी हुई थी जिसमें मम्मा के नाक से खून आया था और बाबा के घुटने पर मम्मा ने पीछे से लात मारी थी तो वो दर्द से सारी रात नहीं सो सके अस्तक वो दहल कर बोला अच्छा कैसे ड्राइंग करती हो मम्मा बाबा की दादा दादी की चाचू छोटी सी क्यूट सी चाची जो सारा दिन रोती रहती हैं हा 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 शेर खान की जो मुझे केक बना कर देते हैं स्पेशल वाले और यहाँ की भी करती हूँ जोश खुशी से बताते वो आखिर में राजदारी से बोली आरिफ चौक गया यहाँ यहाँ किसकी करती हो वो भी उसी की अंदाज में सरगोशी से बोला तभी फेरी ने उसके चौड़े कंधे के पीछे से दरवाजे को देखा वहां किसी को ना पाकर उसके कान में बोली वो जो उस दिन बाबा की शादी में एक बड़ा वाला आदमी था ना जिसके एक गाल पर निशान थे वो और उसकी आंखें कितनी तेज रंग वाली थी पूरी भूरी सी उनकी वो सरगोशी में बोलती उसके चेहरे को देखने लगी जैसे मुल्क का बड़ा राज बताया हो आलिम की आरिफ ने काफी मुश्किल से मुस्कुराहट छुपाई सुन लेंगे इतने मोटे हाथ हैं उनके मुझे मारेंगे तो मैं गायब हो जाऊंगी वो क्या कर खिलखिलाई ना हाँ, तो मुझे उनसे डर लगता है। वो मुंह बसोरे बोली पर आरिफ ने उसकी आंखों की चमक देखी थी। अच्छा उसकी ड्राइंग क्यों बनाती हो मेरी बनाओ मैं भी तो अच्छा खासा हैंडसम हूं तुम्हारा मामू अपने टीचर्स को दिखाओ दाद वसूलो फिर देखना टीचर्स जब मेरी तस्वीर देखेंगी तो तुम्हें बहुत प्यार देंगी अपनी बच्ची की तरह वो कुछ कॉलर झड़का बोला कि उसके अंदाज पर फेरी का कह कहां गुंज उठा सॉरी पर मुझे अपनी टीचर्स बहुत अजीज हैं, मैं उन्हें छोटी सी उम्र में मारना नहीं चाहती वो तंजिया बोली आरिद ने मसनु घूरा पे हंस पड़ा हाँ हाँ बिचारियों को जब मालूम होगा इस दिल में किसी और का बसीरा है तो जरूर वो खुदकुशी ही कर देंगी ना तुम बहुत टैलेंटेड हो पहले ही जान गई हो शाबाश उसने वैरी को सराहते सर हिलाया कि वो हंसना भूल कर उसे घूरने लगी आरिफ कह कहाँ लगा उठा मामू आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हैं वो हंसती हुई उसके कंधे पर हाथ मारकर बोली उसकी चलाकी पर आरिफ ठिटक गया तुम्हारा कसूर नहीं मेरी जान अच्छा बताया नहीं आलिम की क्यों ड्राइंग बनाती हो उसने अपना सवाल फिर दोहराया उसे याद आया मैं जब रिजू वालों के घर होती थी ना तो अल्लाह जी से दुआ करती थी कि मुझे यहाँ से बीस लेकर जाएं और मेरे जैसे जितने बच्चे हों उन्हें भी लेकर जाएँ क्योंकि मैंने अपनी दोस्त से सुना था एक बीस्ट है वो सबकी मदद करता है पर उसे कोई पसंद नहीं करता सब उससे डरते हैं नफ़रत करते हैं और मैंने दुआ की थी कि मुझे बीस्ट लेकर जाए तो मैं उनसे बहुत प्यार करूंगी उनसे नफरत भी नहीं करूंगी और फिर बीस ने मुझे नहीं बचाया उसकी जगह मुझे मेरे एंजल बाबा ने बचाया पर मेरी दुआ आधी कबूल हो गई थी क्योंकि बीस ने बहुत से बच्चों को बचाया था जिन्हें जबरदस्ती भीख मंगवाते थे और दूसरे भी तो बचाए थे तीन बच्चे जिन्हें एक आदमी अपने पास छुपाए बैठा था और बीस ने उन्हें बचाया था पर लोग उसकी अच्छाई को छोड़कर सिर्फ उससे डरते हैं क्योंकि वो बुरे लोगों को बहुत बुरी तरह मारता है पर मैं नहीं डरती और मुझे पता है अगर बीस्ट यहां है तो वो आपके घर में बैठा ये बड़े वाला आदमी ही है वो बहुत राजदारी से उसके कान में बता रही थी उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू चमक उठे नहीं बेटा ये वो नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई है आरिब ने उसे बाहों में भर कर उठाया मुझे जैसे मालूम नहीं मैंने बाबा को बहुत बार कॉल पर बात करते सुना है वो कहते हैं सईर आलिम और यहां सही आलिम यही है ना आरिफ का छुपाना उसे पसंद नहीं आया तभी खुफकी से बोली अच्छा छोड़ो इस किस्से को तुम्हें आलिम पसंद है तो जरूर बनाओ उसकी तस्वीरें पर याद से उसके साथ उसकी बीवी की तस्वीर जरूर बनाना और उसे भेज देना फिर देखना कैसे तुम्हें प्यार करेगा वह उसे ऊपर को उछाल कर कैच करता हुआ बोला कि फैरी की चीख निकल गई मामू मैं उड़ जाऊंगी वह उसके उछालने पर छत से थोड़ा फासला पाकर चिल्लाई आरिफ का कह गूंज उठा? उड़ जाओ, छत की सैर करके आओ वो कहकर उसे कैच करता कंधे पर डाले बाहर निकला फेरी लंबे लंबे सांस भरती पीछे भाव भाव करते पपी को देखकर हंस पड़ी और दोनों मुट्ठियों में आरिफ के घने बाल जकड़ लिए बहुत बुरे मामू हैं अच्छा आरिफ ने आंखें फैलाकर अच्छा को खींचा फिर ये लो कहने के साथ ही रूम से बाहर आकर उसने बाहों में भरते फेरी को ऊपर उछाला उसकी दिल दहला देने वाली चीख पूरे आलिम विला में गूंज उठी साथ ही आरिफ का कह कहा भी मेरी छोटी मिसी उसे किसी गुड़िया की तरह सीने में भिंचे वो हंसता हुआ बोला जबकि धक धक करते दिल के साथ रोती हुई फेरी ने उसे सीने पर दांत गाड़ दिए आरिफ बिलबिला उठा कसूर किसी का नहीं मेरे ने मेरे नसीब में बहन का सुखी नहीं लिखा जालिमो फिजा में उसकी दुहाई गूंजी मैंने सच में आलिम को कुछ नहीं बताया हु ने सामने बैठी खफा सी रिमशा के हाथ थाम कर यकीन दिलाने के अंदाज में कहा वो मान ही नहीं रही थी बस खफा थी जो अपनी खुबकी जता भी रही थी रिमशा उसके चेहरे से नजरें फेर कर उसका चेकअप करती अब तबीयत सही देखकर मुतमिन थी तुम मुझसे बात नहीं कर रही रिमशी उसे खामोश पाकर वो रो देने को थी ये सोच ही दुख भरी थी कि उसने अपनी दोस्त का दिल दुखा दिया तुम नहीं जानती आलिम सब जान जाता है ना होकर भी मुझे भी कई बार गलत हरकतों से टोकता है आकर वो उसे समझाने लगी रिमशा ने चौंक कर उसे देखा फिर फौरन अपने तासुरात नॉर्मल कर लिए क्या हो रहा है यहां और मेरा बच्चा क्यों उससे मिन्नत कर रही हो हू? मुस्कान हूर की भराई आवाज सुनकर गुस्से से बोली नसवानी तेज आवाज पर इमशा ने गड़बड़ा कर दरवाजे की तरफ देखा जहां एक दराज कद ब्लैक लॉन्ग बूट कोट में ऊंची पोनी टेल वाली कोई खतरनाक सी लड़की थी जिसकी सुनहरी आंखों से चिंगारियां फूट रही थी मिसनी तुम कब आई हूर खुशी से चीख कर बोली मुस्कान ने खौफसदा सी रिमशा से नजरें हटाकर बेड से उतरती एन के खुशी से मैदे जैसी रंगत में उतरती सुर्खी को देखा आंखों में पानी के बजाय चमक उतर आई बेट स्वीट वो अंदर आती एक काटदार नजर रिमशा पर डालकर एन से बोली अब इतना तो वो जानती थी इसीलिए फौरन वही रुक गई जबकि रिमशा जबकि मुस्कान जाकर रिमशा के सामने रुकी खफा हो मैडम वो भी अपन के बच्चे से उसे हर्ट करोगी हाउ डेर यू इडियट गर्ल उसके बालों से पकड़कर वो धाड़ी और झटके से बाहर की सिमत फेंका रिमशा इस अचानक अवताद पर बौखला गई और उसकी एक जोरदार चीख निकल गई अगर बरवक दरवाजे को ना थामती तो जरूर सर फट जाता मिस्नी रिमशा की चीख पर हु ने दहल कर पुकारा तुम चुप करो जब तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त सिर्फ मैं हूं फिर क्यों तुमने इसे बनाया गुस्से से बोली हालांकि दिल कर रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे। वो सिर्फ उसकी दोस्त थी और कितने चाह से उसे मुबारक देने आई थी कि उसकी मिन्नतें कान में बड़ी वो एक मामूली डॉक्टर के नखरे उठा रही थी उसे खूनखुआर रूप में देखकर रिमशा वहां से जिन की तरह गायब हो गई और हाँपती कांपती अपने रूम में बंद हो गई अच्छा सॉरी आइंदा नहीं करूंगी किसी से भी दोस्ती तुम सिर्फ उसे तकलीफ मत दो वो बहुत अच्छी है मेरा बहुत ख्याल रखती है और आगे बढ़ आई जब उसका फैसला सुनकर मुस्कुराते मुस्कान ने उसे देखा और खींच कर सीने से लगाया आई लव यू मेरा बच्चा मैंने तुम्हें बहुत याद किया उसके दोनों गालों को चूमती वो उसे सुर कर गई और उसे झीमते देखकर मुस्कान ने कहका लगाया अच्छा बता कैसे आया ये छोटा पैकेट पेट में अब वह उसे बेड पर बिठा कर खुद उसके पास बैठ कर बोली घूर पटा गई क्या बदतमीजी है मिस हाँ 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 बदतमीजी तो नहीं बाकी बहुत कुछ है मायनी खेजी से कहती उसकी लड़सती पलकों को छुआ तुम शादी के बाद बहुत बेशरम हो गई हो उसने हाथ झटक कर मुंह बनाया और मेरे पास आती भी नहीं हो मैं अकेली अकेली रहती हूं उसकी शिकायत शिकवे पर मुस्कान ने उसका सरसीने से लगाया मैं आ जाती पर अभी कुछ काम था ना इसीलिए नहीं आ सकी तुम मेरे छोटे पैकेट से मिलोगी। वो एकदम फेरी के याद आने पर बोली एक तो तुम बच्चों को पैकेट क्यों बोलती हो मिस उसने चिड़ कर पूछा मुस्कान हंस पड़ी मेरा बच्चा मेरी बच्ची तो सिर्फ तुम हो ये तो छोटे छोटे पैकेट होते हैं जो दुनिया में आते हैं पर तुम्हें मालूम है मुझे ये अपनी फेरी बहुत पसंद है तुमसे कम फिर भी दिल के करीब है दिल के बहुत करीब बेटी की तरह पर याद रहे बड़ी बेटी मेरी तुम ही हो तो क्या तुम आलिम की सास हो सारी बात सुनकर हु ने हंसते हुए कहा तो इसमें कौन सा शक की बात है उसकी सास तो मैं हूं कोट पीछे झटकने के अंदाज में उसने गर्दन अकड़ाई ख्याल से सुनना ले वरना तुम्हारी सारी सास, सास गिरी यही पड़ी रहेगी और तुम बाहर हु ने खिलखिलाते हुए कहा मुस्कान ने उसे घूरा वैसे ये कपड़े वही लाया है वो उसे ब्लैक व्हाइट फ्रॉक में देखती बोली जिसमें वो कोई लग रही थी रंगत भी दमक रही थी हाँ रात उन्होंने मोबाइल पर देखते ही मंगवाया था और सुबह छह बजे जब वो जॉगिंग से लौटे तब उनके हाथ में था फिर आगे वो उसकी बेखुदी याद करके शर्म से अनार हो गई आंखें भी सख्ती से मीच ली जैसे मुस्कान उसे देख लेगी हा 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 मेरा मासूम बच्चा मुस्कान ने कह कहा लगाते उसे बाजुओं के घेरे में लिया अच्छा यार सुन तुम्हारी बहन की शादी है तुम आओगी ना वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी मुस्कुराहट जब्त करते उसने बताया और गले में पड़े पेंडेंट को गौर से देखती हंसी पर उसके बरअक्स एंड शॉक्ड थी नूर की शादी हो रही है और आलिम ने मुझे बताया नहीं उसने दुख से सोचा और मुस्कान मुतमईन हो गई कि द बीस्ट के लिए बहुत ही झटका इतना ही काफी है मालूम पड़ गया होगा कि मिस्नी आई थी और उसकी आग का पूरा इंतजाम भी कर लिया हाँ यार दाद उससे इजाजत ले रहा था कि हूर कुछ छोड़े पर उसने इंकार करते कहा कि मेरे सामने मत आना उसका सर कंधे पर रखते वो उसके दुख में शरीक थी आज ही आने से पहले उसने दाद को उदास देखा था फिर पूछने पर मालूम हुआ नूर की ख्वाहिश और आलिम का इनकार उसे गुस्सा तो बड़ा आया पर वो अपने अंदाज से हैंडल करना चाहती थी सब तुम्हें मालूम है वो तुम्हें बहुत याद करती है अकेली सी है और वो तुम्हारी बुढ़िया ताई बिल्कुल अच्छी नहीं है उसे बहुत तंग करती है और वो मासूम गुड़िया जैसी लड़की बहुत रोती है अकेली वो उसके कान में आहिस्ता आहिस्ता बता रही थी जो सब सुनते नूर का पारा हाई हो रहा था जबकि दूसरी तरफ मीटिंग में बैठे आलिम ने टेबल पर हाथ मारते गाड़ी की कीज उसने सोचा था कि वो आराम करेगा पुरसुकून नींद लेगा पर वो कैसे भूल गया था कि जहन्नुम वो खुद लाया था अपने घर में कुछ ही देर पहले उसने मुस्कान को इनकार किया था कि वो ना जाए आलिम के घर ना ही उसकी बेटी तब वो झगड़े पर उतर आई और उसके बाजू का फायदा उठाते जल्दी ही उस पर काबिज होती उसे बांध गई वो भी उसकी ही हथकड़ियों से अगर बाजू ना बांधती तो जरूर सो भी जाता अब सोए भी कैसे जबकि बाजू से सख्त टीसें उठ रही थी किसी को बुला भी नहीं सकता था मुंह जो बांध कर गई थी खामोश मुर्दे की तरह लेटा था सीधा बेड पर और बाहर सब उसके आराम के ख्याल से उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे या अल्लाह कैसी औरत से शादी कर ली मैं तो बहुत मासूम बंदा था तेरा दुख से ऊपर देखते उसने शिकवा किया रात को फिर शॉपिंग पर जाना था नींद फिर पता नहीं कब नसीब होगी उसने सर घुमा कर देखा तो शाम का वक्त था थक कर सर वापस तकिए पर पटक दिया और दरवाजे को देखने लगा डर था कि कोई आ ना जाए वरना क्या इमेज रहेगी एसपी की, एस की? मोबाइल बार बार बज रहा था और वो जानता था किसकी कॉल होगी परेशान भी था उसके लिए वो मीटिंग छोड़कर गुस्से से निकला था पीछे उसके अचानक गुस्सा होकर निकलने पर सब खामोश बैठे थे किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की सिर्फ जाते देखने के अलावा काफी रैश ड्राइविंग के बाद वो आलिम विला में गाड़ी रोकते दरवाजा खोलकर बाहर निकला और कोट का बटन बंद करते उसने अपने कदम अंदर बढ़ाए कहाँ गई वो मेरी सास लाउंज में उसकी गुर्राहट नुमा दहाड़ गूंजी आरिब जो एक आदमी की लोकेशन ट्रैक कर रहा था सुनते फौरन ऑफिस से निकलकर लाउंज में पहुंचा पर सईद की सुर्ख अंगारा आंखों में देखकर दहल गया सास वो हैरान परेशान कुछ अकला गया वो तो अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे ऊपर है शोहर समेत ये आरिब ने दिल में सोचा था हां वो मेरी बीवी की माँ और मेरी सास उसने गुर्रा कर बताया सिमी भी बोखलाई सी सीढ़िया उतरती नीचे आई क्या हुआ आलिम ऐसे घर में कोई बात करता है क्या तुम्हारी बीवी की तबियत का सोचो क्या असर पड़ेगा उस पर उसने अपने मखसूस नरम लहजे में टोका शरीर का उसे देखते जैसे घूमता हुआ सर्द दिमाग ठंडा होने लगा वो पूरे इरादे से निकला था इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ करके आज जरूर उस नासूर को शूट करेगा तुम मिसी आ, मेरा मतलब मुस्कान की बात कर रहे हो आरिफ ने संभल कर पूछा लहजे में मासूमियत लाई वरना जो आज इजहार कर बैठा था सभी से ऐसा ना हो कि वो अपने आलिम को देख कर उससे शिकायत कर दे और वो मौका देख कर बहन का बदला भाई से लेते उसे गोलियों से उड़ा दे हाँ मैं अपनी उस सास नासूर का पूछ रहा हूँ जिसकी गर्दन में मैं अपने हाथों से मड़ोड़ कर तोड़ना चाहता हूँ वो तंदोर तेज लहजे में बोला आरे जुजबुज हो गया वो तो अर्जेंट चली गई किसी जरूरी काम से मालूम तो है वो भागने में माहिर है नजरें झुकाए वो मुस्कुराहट छुपाता बोला आलिम ने मुठियां भींच ली दिल कर रहा था अभी अपने गैंग की लड़कियां उसके घर बेच दे और वहीं उस नासूर का काम तमाम करवाए यहां बैठो और रिलैक्स होकर बताओ क्या बात है गुस्सा क्यों हो? सिमी ने हाथ पकड़ा। यहां पर बेस्ट ट्रीटमेंट की वजह से वो जल्द ही ठीक हो रही थी अभी जो कुछ कमजोरी थी वो भी मुसलसल भाई की तवज्जो इलाज से जाती रही थी वो काफी बेहतर फील कर रही थी हालांकि उसे एक माह रेस्ट करते बेड से उठना ही नहीं चाहिए था पर उसके भाई ने पानी की तरह पैसा बहाते उसका इलाज करवाया था शुक्रिया जाने आलिम पानी का ग्लास लेते वो सोफे पर बैठा और अंगारों की तरह दहकते हलक से उतारना चाहा। तभी ऊपर से ठा की आवाज़ आई सब ने चौंक कर ऊपर देखा ये आवाज़ एन रूम के रूम आरिब अभी कह ही रहा था कि एन के लफ्ज पर आलिम ने सख्त घूरी डाली वह गड़बड़ा गया मेरा मतलब है कि एन के रूम से आवाज आ रही है मैं आता हूं पानी का ग्लास वापस रखकर परेशान सी सिमी के सर पर बोसा देते लंबे ऊपर को भागा। ये क्या हो रहा है रूम में दाखिल होते उसे ड्रेसिंग टेबल से उसके परफ्यूम्स और अपने कलर नीचे फेंकते देख गुस्से से बोला हूरुलन अचानक उसके गुस्से भरी आवाज पर अंदर से सहम गई पर जल्द ही खुद को संभाला क्योंकि जानती थी आलिम कुछ नहीं करेगा बात मत करे मुझसे मुझे अपने घर छोड़ आई मैं यहाँ हरग नहीं रहूंगी उसके गुस्से से चिंगारती आवाज पूरे रूम में गूंज उठी रोने की वजह से आंखें सूज गई थी और लब मुसलसल फड़फड़ा रहे थे आप झूठे धोकेब पता नहीं क्या क्या हैं? आप मुझे मेरी बहन मेरी फैमिली से दूर रख रहे हैं मुझे यहाँ कैद कर लिया है कोई मुझसे प्यार नहीं करता हर कोई सिर्फ कैद करने को दौड़ आता है मेरी कोई जिंदगी नहीं कोई अपना नहीं वो हजियानी चीखती फूट फूट कर रोती नीचे बैठ गई गहरा सांस भरते, ने सुनकर अफसोस से हिलाया और अंदर आते दरवाजा बंद किया साथ ही झुक कर दबीज कालीन से परफ्यूम कलोन दूसरी चीजें उठाकर अपनी अपनी जगह पर रखी आपसे बड़ा कोई छोटा इंसान नहीं उसके कदमों की आहट पर वो उंगली उठाती घुर सही कहा इसमें कोई शक नहीं वो मद्दम आवाज में बुढ़ और पेट पर बैठते अपने पाँव से शूज निकाले मेरी सास को दावत पर बिठाती मुझसे मिलाती फिर जाने देती ऐसे ही भाग जाती है वो तमस्करे से बोला हाँ उसे बिठाती तो आप आकर उसे हक पर होने के बावजूद मारते अपना गुस्सा निकालते उस मासूम पर क्योंकि वो मुझे सच बताती है आप सिर्फ जलते हैं मिसनी से क्योंकि वो आपके खिलाफ बोलती है जबकि आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई उफ बिना करे पर सुन ले मैं जाऊंगी नूर की शादी पर मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी वो जिद्दी लहजे में कहती हाथ पाँव कालीन पर मारने लगी आलिम उसकी हरकतें देखता वार से कपड़े निकालने लगा और जब बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो उसका सर घूम गया सदमे से वो साकित से बैठी रही मतलब उसकी नजरों में कोई औकात नहीं थी उसकी वो रो रही थी जिद कर रही थी और उसने बस एक रफस कहा फिर खामोश हो गया आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आलिम मैं जाऊंगी समझे आप वो गुस्से से उठती बाथरूम की सिंट बढ़ी और दरवाजे पर पूरी कुवत से हाथ मारा शावर के पानी की कूलिंग बढ़ाते आलिम ने दरवाजे की सिमत देखा और आगे बढ़ते दरवाजा खोल दिया वो ट्राउजर्स में मलबूस अब शावर के नीचे आकर खड़ा हुआ था और पानी इस हद तक ठंडा यख था कि जिसम में मौजूद खून जम जाए पर उसे तो इसकी आदत हो गई थी कम उम्री से उन्हें नींद से बेदार करने के लिए कभी ठंडे यख पानी तो कभी गर्म रूह को बिलबिलाते पानी से जगाया जाता था सर्दियों और गर्मियों में जब्त से सुर्ख चेहरे आग से दहकते दमाग के साथ वो यख पानी के नीचे खड़ा हो गया बुरी सुर्ख आंखें सामने दरवाजे पर खड़ी हुन पटी की थी मुझे जाना है भराई आवाज में वो मिनमिन मिनाई। जबकि जानती हो मैं नहीं जाने दूंगा वह लहजे पर जब्त करता नरमी से बोला नहीं मैं जानती हूं आप चलेंगे मेरे साथ और मुझे भी लेकर जाएंगे आलिम मेरी सिर्फ एक ही बहन है जैसे आपकी सिमी वो हिचकीयों से रोती उसकी तरफ बढ़ने लगी आलिम ने हाथ बढ़ाकर एक दम शावर बंद कर लिया और एन ने बाहें उसके गिरद फैलाकर रोते उसके सीने पर सर रख दिया उसकी हरकत पर आलिम एक गहरा सांस भरता रह गया ऐसे मजबूर करती हूँ मुझे मैं बेबस हो जाता हूँ क्यों करती हूँ ऐसे ऐन उसकी भारी आवाज़ की सरगोशी एन को रोते हुए भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई मजबूर तो नहीं करती मैं प्यार करती हूँ अब वो लाट से बोली जानती थी वो राजी होने ही वाला है पर मैं इस बार मजबूर नहीं होगा वो एकदम उसके बाजू से पकड़कर कर सामने करता गुस्से से बोला हाँ तो मैं नहीं होती हर्ट बस मुझे जाना है आलिम मेरी बहन की शादी है आप मुझे कल के लिए तैयार करें मैं जाऊंगी शादी में वो भी साड़ी पहनकर मीसनी की तरह तैयार होकर वो झटके से बाजू छुड़वा कर फिर से उसके सीने पर सर रखे रोब से कहकर दांतों में लग दबा गई उसे अपने सीने पर बहते नाग रगड़ते महसूस करके आलिम ने नजरें उसके स्याह बालों से हटाई और उसे खुद से अलग करता बाहर निकल गया और बेड से कपड़े उठाए कि वो पीछे फिर चिमट गई मैं नाराज़ हूँ उसने जताया और अपने गिरद से उसके हाथ हटाए आप मुझसे नाराज नहीं हो सकते वो खिलखिलाई वो खिलखिलाई और अपना दुपट्टा गर्दन से निकाल कर अपनी कमर से लेकर उसके सामने बांध लिया बताना यह चाहती थी कि वो उससे अलग नहीं हो सकती इसीलिए खुद को उसके साथ बांध लिया कि वो अलग ना कर सके ये क्या बचपना है खोलो इसे आलिम ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाते मसनू गुस्से से कहा हाँ तो मैं बच्चा हूं बचपना तो करूंगी ना अपने शोहर से उसकी पीठ पर सर रखे वो आंखें मूंदी उंगली से लकीरें लगाने लगी अच्छा नाराज ना हो बताएं मैं क्या लिख रही हूँ वो उसकी चौड़ी पुश्त पर उंगली फेरती बोली आलिम ने अपनी सारी हिसे उसकी उंगली की हरकत पर टिका दी और नजरें अपने सूट में अपने हाथ में मौजूद सूट पर थी वो कुछ भी नहीं लिख रही थी क्योंकि उसे कुछ लिखना भी नहीं आता था कहा वो अलिफ से वाकिफ थी वो मुतबसम हुआ उसकी हरकतों पर बेसाख्ता ही आहिस्ता से दुपट्टे को खोला घूम कर उसके सामने आते उसका चेहरा हाथों में भरा और सर ऊंचा किया कि उसके बालों से टपकती बूंदें सीधा हुरुल एन के चेहरे पर गिरी वो सुर्ख सी आंखें मूंद गई तुम लिख रही थी कि तुम बहुत जिद्दी हो वो हार गया और उसे हार न था क्योंकि मुकाबले पर उसकी जिंदगी उसकी एन थी उसे बाहों में भरते वो उसकी आंखों पर बोसा देता मुस्कुराया एन ने मुस्कुराते उचक कर उसकी गर्दन में बाजू डाले और आलिब ने मुस्कुराते उसे कुछ बुलंद किया सॉरी सब कुछ के लिए आप बहुत अच्छे हैं मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़कर वो उसके कानों पर लब रखे सरगोशी में बोली उसकी नादान मासूम हरकतें बहकाने वाली थीं सारी हिसे समाते हवास खोने वाली मैं बहुत बुरा हूँ इसीलिए तुम्हें मेरे पास खुशी नहीं मिलती बदसूरत हूँ ना तुम्हारे मुकाबले वह मसनु दुख से बोला हूर के झुंझुला तो इतने प्यारे हैं मैं देखती हूँ आपको बंद आंखों के पीछे से भी मैं अंधेरे में भी आपको जान जाती हूँ और बहुत खुश हूँ आपके पास आपसे बहुत प्यार करती हूँ आलिम पहले मुझे डर रहता था कि वो मुझे ले जाएंगे मुझे मार देंगे या तो रखेल पर आप मुझे डर नहीं लगता क्योंकि आप मेरे पास हैं आप मुझे हर जगह से बचा लेंगे वह उसके गर्दन में मुंह छुपाए सरगोशी में बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई हां तो मुझे समझ आना चाहिए कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ये धमकियां सिर्फ मुझ मासूम शोहर को डराने के लिए हैं, हाँ वह उसे हसा में लेकर बेड पर बैठा है नहीं अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं सच में कहीं गायब हो जाऊंगी वो कर जल्दी से बोली पर उसकी नजरों की तपिश पर बोख लग गई तो मैं, मैं कहीं नहीं जा रही वो मिनमिनाई आई इस फितने का हाल बताओ तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा ना उसके पेट पर हाथ रखते उसने पूछा गई उसके सीने में ये तो अभी बड़ा नहीं हुआ रिमशा कहती है वो सुर्ख चेहरे से बोली आलिम करता रह गया ये बड़ी फिल्म होते हैं बच्चे इन्हें बड़े या छोटे की जरूरत नहीं पड़ती बड़े तेज होते हैं वो उसे समझाने लगा हाँ आपको तो बड़ा तजुर्बा है उसने मुंह बसोर कर कहा उसे अपने बच्चे के लिए आलिम के लफ्ज़ जरा पसंद नहीं आए नहीं तजर्बा तो नहीं पर मैं देख कर समझ जाता हूँ कौन कितने पानी में है वो बचपन का आलिम बना उसे समझा रहा था सारी सख्ती जिंदगी की तलखी पीछे जास हुई थी इस वक्त ऐन के सामने वैसा बना था जैसे जिंदगी ने उस पर कोई सितम न ढाए हो हाँ आप तो अपनी मामा के पेट में भी ऐसे ही होंगे वो दूबू दूब बोली दूब आलिम ने पहले अबरू झटका अम्मा कहती थी सिमी उन्हें बहुत तंग करती थी जबकि मैं बड़ा मासूम मासूम था हाय और आप अच्छा मजाक था वो मजाक उड़ाते हुए खिलखिलाई आलिम ने गोरी से नवाजा क्यों मैं मासूम नहीं हूं वो बुरा मानकर बोला नहीं मासूम तो मैं हूं मैं मम्मा के पेट में खामोशी से पड़ी रहती थी नूर उन्हें बहुत तंग करती थी जबकि मैं खामोश मासूम सी थी मजाक अच्छा था पर मुझे हंसी नहीं आई उसे बेड पर बिठाकर वह कपड़े उठाए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा हाँ तो आप किस्तों पर हंसते हैं सदी में एक बार अब फिर वही साल आएगा फिर आप हंसेंगे वो नाक भवे चढ़ा कर बोली हम तो जिंदा दिल इंसान हैं सारा दिन हा 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 करते रहते हैं आपकी तरह नहीं तुम भूल रही हो कि तुम्हारा काम मुझ में फंसा हुआ है अगर मैं माइंड कर गया तो फिर रोती रहना मैं जाने नहीं दूंगा उसने जाते हुए जताया और एंड जो बड़ चढ़कर उसे सुना रही थी उसकी सुट्टी फौरन गुम हो गई सो so, मेरे अजीज श्रोतास दैट वाज द एंड ऑफ एपिसोड 24 ऑफ द नोवेल दश्ते वशहत बाय मवीश अली होप दैट यू लाइक इट अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़